जिस दिन यौमे शोहदाए कश्मीर को हमें ऑफिशियल लाइन दी गई थी कि मनाएं, उस दिन हमने क्या किया, हमने दरवाजे खोल दिए। वो जिनको हमें दुश्मन बताया गया है उनके लिए हमने वाघा के दरवाजे खोल दिए। आओ जी, पहले भी राहदारियां हमने खोली हैं। और बाकी कोई पाकिस्तान में सनत चले ना चले, लेकिन एक फैक्ट्री बहुत चल रही है, वो है हमारी प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। आरिफ अलवी साहब की जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, बड़ी जबरदस्त चालू है और चल रही है। 20 मई को खामोशी से उन्होंने ना स्पीकर, ना चेयरमैन, ना कोई खबर, ना ऑपोजिशन को बताया, ना काबीना को कॉन्फिडेंस में लिया, चुपके से ऑर्डिनेंस पे दस्तखत करवा दिए यूं फ्लरिश के साथ। और जनाब क्या ऑर्डिनेंस है, जबरदस्त ऑर्डिनेंस है। मजे की बात यह है कि नवाज को मोदी का यार कहा जाता था, लेकिन यारी तो निभाई है लाडले वजीर आजम इमरान खान ने। नवाज के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता था कि बहुत मोहब्बत करते हैं मोदी के साथ, लेकिन मिस्ड कॉलों पे मिस्ड कॉलें तो वजीर आजम इमरान खान दे रहे हैं। नवाज शरीफ पे ये इल्जाम लगाया जाता था कि जनाब ये तो कारोबारी मफादात हैं इनके इंडिया में, लेकिन ट्रेड ट्रांजिट राहदारियां तो आप खोल रहे हैं। अच्छा चलिए, नवाज शरीफ तो बड़े प्रो इंडिया थे, लेकिन मोदी जी की कैंपेन तो आप करते हैं, तो राहदारी भी आप खोले और आप जनाब ये ट्रांजिट ट्रेड, यू नो इन द वर्ड्स ऑफ श्रीनी मजारी, पता नहीं श्रीनी मजारी कहाँ है आजकल, लेकिन मुझे कुछ वीडियोस उनकी बेचारी उनके याद आ रहे थे, उनकी जब अपोजिशन में थे तो उनकी एक वीडियो याद है, और उस वीडियो में वो कहती हैं कि जनाब नवाज शरीफ नाम नहीं ले सकते स्पीच में, नाम क्यों नहीं लेते यादव का, टोपी तो उन्होंने पहनी हुई है फॉरेन मिनिस्ट्री की, उनको कहे नाम ले, बड़ी बजट थी, नाम ले नाम ले। जनाब नाम लेने की